खास चुनाव है संवैधानिक ढांचे को बदलने का, क्योंकि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर वाले लोग इस ढांचे को खत्म करना चाहते हैं जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। ये खत्म तो आरक्षण खत्म, चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए। लेकिन हमारे भाजपा के लोग, प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम लोग नफरत की फसल ला रहे हैं और वो फसल इस पे कुछ से नजर रखे। ये वोट संविधान को बचाने के लिए है, ये वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये वोट जो है वो बेहद ही जरूरी है। और आप घर से निकलिए और वोट दीजिए, ये कहना है सांसद मनोज झा का। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज स्वनेशन। तीसरे चरण के मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही है। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर आज मतदान हो रही है। 5 लोकसभा सीटों पर लगातार न्यूज स्वनेशन आपको तस्वीरें भी दिखा रहा है। तो दूसरी ओर नेताओं का आरोप प्रत्यारोप भी चालू है। एक तरफ जहां तेजस्वी यादव तीसरे चरण के मतदान को लेकर बिहार की आम जनता को जागरूक होने की सलाह देते हैं, बिहार नहीं बल्कि पूरे देश की जनता को कहते हैं कि बाहर निकलिए, वोट दीजिए और वोट विकास को लेकर दीजिए, ना कि कुछ भी यूं ही उजुल फुजुल मुद्दों को लेकर दीजिए। तो वहीं दूसरी ओर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बेहद ही करीबी और सांसद मनोज झा ने भी अब एक वीडियो शेयर किया है, और वीडियो शेयर करके मैनिफेस्टो तेजस्वी यादव का वो किस तरीके से दिखा रहे हैं आप हमारे स्क्रीन पे देख सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने संविधान को लेकर भी कहा है, उन्होंने कहा है कि आज का जो ये वोटिंग है ये बेहद ही जरूरी है, ये वोट जो है वो संविधान को बचाने के लिए है, ये वोट लोकतंत्र को बचाने के लिए है, ये वोट आरक्षण को बचाने के लिए है, ये वोट किसानों को बचाने के लिए है, ये वोट नौजवानों को बचाने के लिए है, ये वोट रोजगार के लिए है। मनोज झा लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एनडीए सरकार पर हमलावर होते हुए भी नजर आए हैं। आए दिन मनोज झा कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को लेकर अपनी प्रतिक्रिया जो है वो देते रहते हैं। ऐसे में तीसरे चरण के मतदान होने के साथ साथ मनोज झा ने बड़ी अपील कर दी है। मनोज झा पहले क्या कुछ बोल रहे हैं, सबसे पहले हम आपको उनकी पूरी वीडियो को सुनवा। बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, संभवतः आजादी के बाद इस तरह का चुनाव कभी नहीं हुआ। ये आम चुनाव नहीं है, ये खास चुनाव है संवैधानिक ढांचे को बदलने का, क्योंकि बंच ऑफ थॉट गोलवलकर वाले लोग इस ढांचे को खत्म करना चाहते हैं जिसे हम भारत का संविधान कहते हैं। ये खत्म तो आरक्षण खत्म, ये खत्म तो अधिकार खत्म। और दूसरी तरफ देखिए कि बिहार में ये चल रहा है 24 के 24 वचन, जिसमें तेजस्वी जी क्या कह रहे हैं। हम कह रहे हैं रोजगार, नौकरी, नौकरी का मतलब तेजस्वी, चुनाव इन मुद्दों पे होना चाहिए। लेकिन हमारे भाजपा के लोग, प्राइम मिनिस्टर समेत तमाम लोग नफरत की फसल ला रहे हैं और वो फसल इस पे कुछ से नजर रखे हुए, इस किताब पे। इस किताब को बचाइए, अपने रोजगार के लिए वोट करिए, आपसे यही आग्रह है, अन्यथा पश्चाताप के आगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो आपने सुना क्या कुछ कहना था मनोज झा का। मनोज झा ने कहीं ना कहीं आम जनता को ये चेता दिया है, आम जनता को सतर्क रहने के लिए कह दिया है कि अगर आज आपने वोट मुद्दे पे नहीं दिया, अगर आज आपने वोट रोजगार पे नहीं दिया, तो कल अगर आपके साथ कुछ गलत होता है तो इसके जिम्मेदार भी वो आप ही होंगे। अगर आज आप वोट अपने काम को लेकर नहीं दीजिएगा, अगर आज आप वोट अपने मुद्दे को लेकर नहीं दीजिएगा, तो कल अगर आपके साथ वो चीज नहीं होती है, अगर आपके साथ कल कुछ गलत होता है, तो इसके जो मुख्य जिम्मेदार हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप रहेंगे। तो जहां एक तरफ बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से चल रही है, अगर आपने अभी तक मतदान नहीं किया है तो घर से बाहर निकलें और मतदान जरूर करें। फिलहाल के लिए इस अपडेट में इतना ही।